नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। फिरोजाबाद रेलवे स्टेशन पर आने जाने वाले यात्रियों का हुआ कोरोना टेस्ट। फिरोजाबाद कोरोना की दूसरी लहर के दौरान उत्तर प्रदेश जनपद फिरोजाबाद के रेलवे स्टेशन पर एक कैंप लगातार लगा हुआ है, जिसमें आने जाने वाले प्रत्येक यात्रियों को कोरोना टेस्ट किया जा रहा है। डॉक्टर विवेक जैन ने कैंप के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि जब से कोरोना की दूसरी लहर स्टार्ट हुई है, तब से कैंप लगा हुआ है और ट्रेन से आने जाने हर वाले हर यात्री को कोरोना जांच के बाद ही भेजा जा रहा है। इसी क्रम में आज के दिन रविवार को दूसरी शिफ्ट में लगभग 40 यात्रियों की कोरोना जांच की गई तथा सभी यात्रियों का पूरा पता व फोन नंबर लिखा जा रहा है, जिससे कोरोना पॉजिटिव आने पर उन्हें सूचना दे दी जाए और कोरोना वार्ड में एडमिट करा दिया जाए, जिससे सुचारू रूप से उनका इलाज हो सके। क्या नाम है सर आपका? मैं डॉक्टर विवेक जैन। सर, आज जो ये कैंप लगाया रेलवे स्टेशन पे, किस चीज़ का कैंप है और ये कब से लग रहा है? ये जब से कोरोना की सेकंड वेव स्टार्ट हुई है, तब से यहाँ पे रेगुलर कैंप लगा हुआ है कोविड टेस्टिंग का। यहाँ जितने भी पैसेंजर आ रहे हैं और जा रहे हैं, सभी पैसेंजर्स की हम लोग यहाँ रेगुलर टेस्टिंग करते हैं। आज कितने लोगों की टेस्टिंग हो चुकी है? आज जो सेकंड शिफ्ट है, इसमें 40 लोगों की टेस्टिंग हो चुकी है। फर्स्ट शिफ्ट की टेस्टिंग अलग है जी। और ये कितने दिन तक चलेगा ये कैंप? जब तक कोरोना चलेगा तब तक मैं समझता हूँ टेस्टिंग चलती रहेगी। धन्यवाद सर।